नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गौरव राज गुप्ता। जर्मनी बन गया है विश्व चैंपियन, 20वें फुटबॉल महासमर का चैंपियन बन गया है जर्मनी। अर्जेंटीना को इस कड़े मुकाबले में जर्मनी ने 1-0 से मात दी है और जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जर्मनी ने अर्जेंटीना को क्वार्टर के मुकाबले में 1-0 से हरा दिया। जर्मनी के मारियो गोटसे ने 113वें मिनट में मैच का पहला और एकमात्र गोल किया और इसी तरह जर्मनी फुटबॉल की दुनिया का नया चैंपियन बन गया। आपको बता दें कि इससे पहले निर्धारित 90 मिनट में दोनों ही टीमों ने एक भी गोल नहीं किया और मौके दोनों टीमों को कई मिले। दोनों टीमें शुरू से अटैक करती रही, बहुत अटैकिंग पोजीशन देखी गई, लेकिन उसके बाद भी 90 मिनट में जब कोई गोल नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम में 113वें मिनट में जर्मनी की तरफ से सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी गोटसे ने गोल किया और जर्मनी को जीत दिला दी। और आपको छोड़े जाते हैं जश्न की तस्वीरों के साथ। नमस्कार, न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन सिटी। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। राजधानी दिल्ली में बारिश ना होने से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी से तो परेशानी हो ही रही है, बिजली कटौती ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। तो दिल्ली में मानसून आ चुका है लेकिन बारिश नहीं आ रही। मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। मुंबई में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं तो दिल्ली एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है। मौसम में हो रहे बदलाव पर मौसम वैज्ञानिक सी चरण सिंह से बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता अनीता चौधरी ने। तो मानसून के बुझारों के लिए अभी 2-3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में बिजली संकट और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस दौरान जामा मस्जिद के इलाके में धरना भी दिया। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। देश के कई राज्यों को बारिश का इंतजार है तो मुंबई पर मानसून मेहरबान है। मुंबई में कल झमाझम बारिश हुई तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। हाई टाइड के खतरे से भी मुंबई कर थोड़े परेशान हो गए हैं। आज मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री जेटली सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगे। महंगाई रोकना सरकार के सामने चुनौती है तो ऐसे में सरकार कई बड़ा कदम उठा सकती है, तो वहीं कई लोक लुभावन घोषणाएं भी हो सकती हैं। आम लोगों के लिए अच्छे दिन कब आएंगे इसका पता आज मोदी सरकार के बजट से चल जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि सरकार नौकरी पेशा से लेकर खेतीहर लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तो महंगाई की मार कुछ कम हो ऐसी तो लोगों को उम्मीदें हैं ही, लेकिन मोदी सरकार के पहले आम बजट से टैक्स पेयर्स को भी बड़ी उम्मीदें हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा सकती है। बात फुटबॉल की करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले तीसरे नंबर की हुई जंग में मेजबान ब्राजील की बुरी तरह हार हुई है। इसके साथ ही ब्राजील चौथे और नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। तो मेजबान ब्राजील तो ये मैच हार कर चौथे नंबर पर जा पहुंचा। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। बेशक ये फाइनल 2014 में खेला जा रहा हो, लेकिन इसने 2.5 दशक पहले खेले गए दो फाइनल की याद ताजा कर दी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपीएससी के परीक्षार्थी गृहमंत्री राजनाथ सिंह से खफा हैं। गुस्साए छात्रों ने राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि यूपीएससी के पैटर्न से सीसैट परीक्षा को बाहर किया जाए और साथ ही परीक्षा में बैठने की उम्र सीमा में 3 से 4 सालों की रियायत दी जाए। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। ये रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का। अगर आप भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो सावधान हो जाइए। जरा सी लापरवाही किस कदर जानलेवा हो सकती है, इस बात का मंजर दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर देखने को मिला।